नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हमारा राजस्थान न्यूज। आर के पुरम पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 287 किलो 750 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर दो लोगों को किया गिरफ्तार, वह एक बोलेरो पिकअप भी की जब्त। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शहर पुलिस अधीक्षक असुमन भूमिया ने बताया कि शहर में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एडिशनल एसपी समीर कुमार दुबे व सीओ नरसी मीणा के निर्देशक में एसआई सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। सुरेश शर्मा टीम के साथ राउत भाटा रोड पर स्थित किशोर न्यायालय के पास नाकाबंदी कर रहे थे, तभी राउत भाटा की ओर से बोलेरो आती दिखाई दी। सुरेश शर्मा ने रोकने का इशारा किया तो बोलेरो चालक तेज रफ्तार से भगा ले गया। इस पर शर्मा ने उसका पीछा कर वाहन की तलाशी ली तो उसमें 13 गट्टों में डोडा चूरा भरा था। इसका वजन 287 किलो 750 ग्राम था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रामपाल पुत्र बाबूलाल निवासी भीम सागर, राजेश पुत्र भंवरलाल निवासी मतोड़ा ओसिया जोधपुर बताया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उनके सामने हमारी नाकाबंदी चल रही थी, वहां से रावत भाटा रोड की तरफ से एक पिकअप बोलेरो सिटी की तरफ एंटर कर रही थी, जो हमारे इशारे देने के बाद भी नहीं रुकी। जिसका पीछा कर रुकवाया, लगभग आधा किलोमीटर पीछा करके उसे रुकवाया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर 13 कट्टे डोडा चूरा अफीम, जिनका कुल वजन 287 किलो 750 ग्राम हुआ, जिसमें रामपाल विश्नोई और राजेश विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी। माल कहाँ सप्लाई के लिए जा रहा है? उसके लिए अभी जारी है, एमपी से आ रहा था। नाम बताइए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश है।